देश के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कल एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है वो निधन हो गया था, यानी कि बुधवार को, जिसमें 14 लोग सवार थे और उसमें 13 लोगों का निधन हो गया था। और मैं इस वक्त हूँ जनरल बिपिन रावत दिल्ली का, जो उनका घर है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए ये दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर सेना के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लोगों का आवागमन यहाँ पर हो रहा है, लगातार चल रहा है, सेना के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। जब से कल जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर आई थी तब से उनके घर के बाहर यहाँ पर सेना के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। और जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें जो है 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें एक कैप्टन जो हैं वो अभी उनका वो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है और पूरा देश जो है वो उनकी सलामती की अभी दुआ कर रहा है। तो 63 साल के जीवन में जनरल रावत ने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनको देश जिसका जो देश जो है वो हमेशा उनको याद करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, हालांकि सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन उसके पीछे अगर दिमाग की बात करें तो दिमाग जो है वो CDS बिपिन रावत का ही था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनरल बिपिन रावत वो शख्स थे, 63 साल की उम्र में पहली बार CDS बने थे और CDS का पद जो है वो पहली बार, कई सालों से लगातार कोशिश की जा रही थी, तो जनरल बिपिन रावत देश को पहली बार CDS के रूप में मिले और हमेशा उनकी जो उनकी बहादुरी की गाथाएं हैं, जो उन्होंने देश के लिए काम किए हैं, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं उनके अगर पार्थिव शरीर की बात करें तो आज शाम तक यहाँ पर दिल्ली में लाया जाएगा और आज शाम और कल का जो दिन है वो मुकम्मल किया गया है, बाकी का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा बाकायदा पूरे सम्मान के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CDS बिपिन रावत के घर के बाहर पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली सरदेश यादव, न्यूज़ पॉइंट।